किसी बच्चे को आप समझ रहे कुछ नहीं कर पाएंगे, और जिसको आप समझ रहे सब कुछ कर पाएंगे, वो सब कुछ करने के बाद भी अगर दुनिया भी अतबार से आप देंगे 10-20 हज़ार कमाता, और ये कुछ नहीं जिसको आप समझते थे, ये इसके हाथ के नीचे से 10 लोग काम करते जाकर, तो ये नाकाम नहीं हुआ। तो कोई बच्चा जो आपके सामने आता ना, कभी ये मत सोचिए ये क्या बेखौफ आ गया, ये अहमक आ गया, ये फुलां आ गया, ये तो ऐसा है और तुम फुलां है, वो तो डल लोग हैं, ये तो कुछ नहीं कर सकते। आप कौन होते प्रेडिक्ट करने वाले किसी का करियर, किसी की जिंदगी? लोग करते हैं ऐसी मिस्टेक। याद रखिए, जब मैं 10th पास हुआ तो मेरे साथ एक बच्चा 10th पास हुआ था, शोलापुर का रहने वाला था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जब हम नहीं पहचानते थे दूसरे को, और वो महाराष्ट्र टॉपर था 10th में, और एक ओबीसी क्लास को बिलोंग करता था। यहाँ आया वो, उसका एक प्रोग्राम हुआ, उसको फेलिसिटेट किया गया, तो मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया, ये भी वही खाता है जो तुम खाते हो, ये तो बेचारा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, चूड़ी बनाने वाले मनियार फैमिली से बिलोंग करता है ना, चूड़ी बनाने वाले फुला है। बाद में हमारी मुलाकात हुई, भी किस्सा सुनाता हूँ किसी भी, तो फिर तुम क्यों नहीं आ सके? मतलब बस हम नहीं कर सके, वो कर पाया, क्या जवाब होगा इसके अलावा? यानी कई सालों बाद जब उस बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, एज अ मैं पब्लिक स्पीकर रहता हूँ तो ऑनलाइन कहीं से मिला, फिर मेरे से कॉन्टैक्ट हुआ, उसने नाम बताया, तो मैंने कहा तुम फुलां फुलां ईयर में जो है 10th में टॉपर आए थे महाराष्ट्र से, कहाँ? मैं कहा तुम्हारे वजह से बहुत डांट पड़ी थी यार मुझे उस दिन बहुत डांट पड़ी थी। तो हंसते हंसते बोलने लगा, आप जिसने डांटा था उसको बोलना, मैं और मेरे ऐसे कई टॉपर्स आज आपसे कंसल्ट करते हैं बहुत सारे इशूज में, बच्चों की तरबियत में करते हैं, काउंसलिंग में करते हैं, जो है साइकोलॉजिकली फुला चीज़ में वो हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर परेशान है, फला काउंसलिंग के लिए आते हैं। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दूंगा, नाम नहीं लूंगा लेकिन दूंगा जरूर। तो वो भी नाकाम नहीं रहा, अल्टीमेटली वो भी कामयाब, मैं भी नाकाम नहीं रहा, अल्टीमेटली मैं भी कामयाब। एक बात याद रखिए इसके अंदर जो होता है ना, जनरली हम बच्चों के बारे में जो नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, याद रखिए वो ये रहता, हम फेलियर और सक्सेस की जो स्टैंडर्ड्स अपने बनाते हैं टीचर्स, उससे प्रॉब्लम होता है। फेलियर और सक्सेस का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, मालूम है? किसी के लिए कोई चीज़ जो फेलियर होती है, आपके लिए कोई चीज़ जो फेलियर होती है, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा 10th में था, और वो अपने पेरेंट्स का अकेला बच्चा है, और उसकी माँ बहुत बीमार थी, वो अपनी माँ की खिदमत करता रहा पूरा 1 साल, जिसकी वजह से वो 10th का एग्जाम में रैंकिंग नहीं ला पाया, या चली उसने एग्जाम ही नहीं दिया, चली फेल हो गया वो, तो आपके रिपोर्ट के हिसाब से वो फेल है या पास है? वो फेल है, लेकिन आप बोली ह्यूमन स्टैंडर्ड पर वो फेल है या पास है? उसने अल्टीमेटली वो काम किया जो एजुकेशन ने करवाना चाहिए था, एक अच्छा इंसान बन गया वो। तो आप अगर वो स्टैंडर्ड लगाए फेल, रिपोर्ट कार्ड का फेल इज फेल, इंसानियत में बेकार इंसान, और रिपोर्ट कार्ड का पास ये जिंदगी में कुछ करेगा, तो ये स्टैंडर्ड्स आप छोड़ दीजिए अदर, क्योंकि उसकी बीमारी मतलब पूरा मतलब देखिए ना, एक आदमी रेस शुरू कहां से कर रहा है? आप खाली जाके विनिंग पोस्ट देख रहे ये जीत गया ये जीत गया ये जीत गया, नहीं, स्टार्ट कहां से ले रहा है आदमी रेस? एक आदमी है जो घर जाता है, उसके घर में एसी लगा उस बच्चे के, उसके पास सिलेबस की जगह 2-2 सिलेबस आगे पड़े हुए, उसके सब कुछ, और एक बच्चा जो सुबह उठकर पानी भर के स्कूल आता है, आपको लगता है दोनों की रेस सेम स्टार्ट है? तो दोनों का एंड कैसा एक्सपेक्ट करते हैं आप सेम? हाँ, इसमें भी कुछ बासलायत लोग रहते हैं, वो कम्पीट कर जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोशिशों के बेसिस पर होना चाहिए याद रखे रिजल्ट, जो कि नए एजुकेशन पॉलिसीज जो आ रही है, जो भी आजकल नए स्टैंडर्ड्स हो रहे, सब यही बता रहे हैं, एथिक्स मॉरल्स ये फला, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन, हाँ ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, बल्कि कोलैबोरेट करके करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, 4-5 लोग मिलकर काम करो, ह्यूमैनिटी अकेले के लिए जी नहीं सकती, याद रखिए साथ मिलना है, तो फिर एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है कि सबको पीछे करके अपने को आगे भागना है? आप समझ, तो बहरहाल तो हर बच्चा कुछ ना कुछ बनेगा, बस आपको पॉजिटिवली थिंक सोचना चाहिए हमेशा उसके बारे में, फिर वो ज़िंदगी में जब आपके सामने आएगा कभी अपनी लाइफ में, तो खुशी होंगी, और उसको भी खुशी होंगी, किसी ने मुझे बिलीव नहीं किया था, ये टीचर ने बिलीव किया था कि मैं कुछ बन जाऊँगा, समझ रहे आप, और फिर उसको बहुत एतमाद रहेंगे, और ये बड़ी अहम चीज़ है याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कातो सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने, रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।